आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। मुंगेली में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जहां नशे के अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, उसी कड़ी में मुंगेली पुलिस के द्वारा महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर संजीव शुक्ला के दिशा निर्देश एवं मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिले के साइबर सेल की टीम एवं थाना जरहा गांव को मुखबिर के जरिए से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सफेद रंग के अर्टिगा वाहन में कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए अंबिकापुर बिलासपुर से मुंगेली की तरफ आ रहे हैं। पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही तत्काल घेराबंदी एवं धरपकड़ हेतु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीम को तैनात किया गया। इसी दौरान शाम तकरीबन 4 से 5 बजे के मध्य बिलासपुर तरफ से एक अर्टिगा कार क्रमांक CG28K4790 आते दिखी, जिसे पूर्व में तैनात पुलिस की टीम द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। कार में 6 व्यक्ति सवार थे। सवार व्यक्तियों की विधिवत तलाशी ली गई, जो कार के अंदर रखे कैरी बैग के अंदर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिलने पर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर एवं तस्करी में प्रयुक्त वाहन अर्टिगा कार को जब्त किया गया। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अवैध ब्राउन शुगर के दीगर राज्य से पहले बस में लेकर आए, उसके बाद अंबिकापुर कोरबा के सीमा से अन्य साथियों के साथ कार के माध्यम से तस्करी करते हुए मुंगेली आ रहे थे। अब चारी बालक सहित अन्य 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कल हमारे मुंगेली पुलिस को जरहा गांव थाना में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल हमारे जरहा गांव थाने में हम लोगों ने 46 ग्राम ब्राउन शुगर सीज किया है। लगातार यहां पर हम लोगों को कई दिनों से ड्रग्स के बारे में सूचना मिल रही थी, इस पर पुलिस ने सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में ये पता चला कि कुछ सूखा नशा राज्य के बाहर से बस सेवा के माध्यम से अंबिकापुर कोरबा बस सेवा में आया है और वहाँ से एक 4-व्हीलर के माध्यम से उसकी सप्लाई मुंगेली में होने वाली है। सूचना मिलने के पश्चात हम लोगों ने ज़िले में अलग अलग मार्ग पर वहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग पॉइंट्स लगाए। चेकिंग पॉइंट्स जरहा गांव जहाँ पे लगा हुआ था, जरहा गांव थाना के सामने में हम लोगों ने एक गाड़ी 4-व्हीलर को आते हुए देखा, उसको चेकिंग किया और गाड़ी का नंबर था CG28K4790। उस गाड़ी को चेकिंग करने के दौरान वहाँ पर एक 18 ईयर से कम का औपचारी बालक हम लोग को मिला और 4 वहाँ पर युवा मिले। उनसे पूछताछ करने के दौरान उनके अलग अलग प्रकार का वर्जन आ रहे थे कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, और साथ ही साथ उनमें घबराहट थी। इसके पश्चात हम लोगों ने वाहन को बारीकी से चेक किया। बारीकी से चेक करने के पश्चात वहाँ पर एक बैग मिला। उस बैग के अंतर्गत वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर एक पुड़िया मतलब पॉकेट मिला, जिसमें भूरे रंग की यानी कि ब्राउन शुगर वहाँ पे रखा हुआ था और उसका इस्तेमाल करने के लिए जो मतलब सिरिंज वगैरह जो रहता है वो चीज़ें वहाँ पर मिली। फिर उनको हम लोग थाना लाए। थाने के बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने इसको राज्य के बाहर से आना बताया और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करते थे और एक वाहन के द्वारा नहीं, अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करते थे और बदल बदल करके लाते थे। उन्होंने ये बताया कि इसका अंतिम बिंदु मुंगेली था और उन्होंने आरोपी आशुतोष का नाम लिया। फिर हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस गई, टीम गई और उसके पश्चात हम थाने पर लाए और उससे पूछताछ किया। पूछताछ करने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये 4-व्हीलर गाड़ी जो नंबर मैंने बताया उन्होंने ही भेजना बताया और उसके बाद उन्होंने उनकी शिनाख्त की कि उनके दोस्त हैं, उनके पहचान वाले हैं जो इसको लेने के लिए गए थे। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि आशुतोष जायसवाल जो व्यक्ति था उसने इस ब्राउन शुगर को बाहर से मंगवाया था और ये सारे के सारे एक साथ इसमें शामिल था। घटना में प्रयुक्त अपराध में प्रयुक्त हम लोगों ने गाड़ी को सीज कर लिया और इसके साथ ही साथ आरोपियों के पास जो मोबाइल थे और उसको भी हम लोगों ने सीज किया, ब्राउन शुगर को सीज किया। विधिवत उधर हम लोगों ने कार्रवाई किया। चूंकि ब्राउन शुगर है, नशा है, सूखा नशा है, तो NDPS के प्रावधानों के तहत इस पर कार्रवाई हुई है और इस पर आगे हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि ये यहाँ से और कहाँ जाने वाला था और ये कहाँ से आया है, जिसमें हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले हैं। हमारी पूरी टीम इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। चूँकि ये एक बड़ी सफलता है। ये एक अंतर मतलब बोलना चाहिए कि सिर्फ एक ज़िले से नहीं, एक राज्य से नहीं, बल्कि राज्य के बाहर से आ रहा था, तो इसकी चैन को
बारीकी से जांच करना अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे एडिशनल एसपी पंकज पटेल, साइबर प्रभारी संजय, जरागांव थाना प्रभारी सुशील बंचोर, इनकी टीम अभी तक इस पर अपनी कार्रवाई कर रही है और इसके हम सभी बिंदुओं पर, सभी पहलुओं पर आगे जांच करेंगे। जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगा आप सभी लोगों के हम लोग नॉलेज में लाएंगे। और ये अभी तक की जानकारी के हिसाब से मुंगेली बनने के पश्चात में ब्राउन शुगर के मामले में सबसे पहली कार्रवाई है और बड़ी कार्रवाई है। इसकी जो कुल कीमत है 9,20,000 रुपये आसपास ब्राउन शुगर की कीमत है और गाड़ी जो वाहन और मोबाइल की कीमत लगभग 8,68,000 रुपये है। कुल मिला के ये जो संपत्ति है 17,88,000 रुपये की है। तो निश्चित रूप से टीम को सफलता मिली हुई है, इस टीम को मैं बधाई भी दूँगा। और साथ ही साथ मैं, चूँकि ये पूरा कार्रवाई आदरणीय आईजी सर बिलासपुर रेंज श्री संजीव शुक्ला सर जी के दिशा निर्देशन मार्गदर्शन के फलस्वरूप हुआ है, तो इनको नगद इनाम मैं भी दूंगा। और रेंज आईजी आदरणीय श्री संजीव शुक्ला सर जी से भी मैं अपना प्रस्ताव भेजूंगा कि हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए इनको पुरस्कृत किया जाए। सर, आरोपियों के द्वारा पूर्व में भी ड्रग्स सप्लाई का काम किया गया या पहली बार? आरोपियों से पूछताछ के पश्चात उन्होंने बताया कि जिस पर्सन आशुतोष के पास से डिलीवर होने वाला था उसने बताया कि उसने पहले भी 2-3 बार बाहर से ड्रग्स को दोस्तों के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल कर करके, मतलब मुंगेली में ड्रग्स आया और उसने पहले भी यूज़ किया है। उसने इस बात को कबूल किया है कि उसने पहले भी इस नशे का उपयोग किया है। सर, उपयोग ही किया है कि बेचा भी? इस पर आगे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसने कुछ नाम बताए हैं कि उसने किन उन्होंने कुछ और नाम बताए हैं जो विवेचना में है अभी। उन लोगों से भी पूछताछ करना जरूरी है कि उन्होंने उसे ख़रीदा था कि उसके साथ बैठ करके उसका उपयोग किया था। ये आगे विवेचना के पार्ट में और ये नीचे कहाँ तक जाएगा तो उसको हम लोग आगे करते जाएंगे। इस बारे में जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आप लोगों के नॉलेज में लाते हैं।